छत्तीसगढ़ की सड़कों का जाल और मजबूत होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के लिए 900 करोड़ रुपए की मंजूरी देकर राज्य को एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के 6 जिलों में 4 लेन निर्माण की स्वीकृति पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पिछले दिनों दिल्ली में बैठक हुई थी, इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुझाव भी दिए थे। इन सुझावों पर केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है। इन परियोजनाओं से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी और प्रदेश का विकास होगा। 4 जुलाई को हम लोगों ने 13 सड़कों का लगभग 1300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया था। बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने उस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए नितिन गडकरी साहब से बात की थी और अभी 30 सितंबर को बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात के बाद हमने 9 सितंबर को 8 सड़कों के लगभग 900 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। 30 सितंबर की बैठक में माननीय नितिन गडकरी जी ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी थी उन 8 सड़कों की और कल उस पर उनका अनुमोदन हुआ है। नानघाट मुंगेली की सड़क 39 किलोमीटर 120 करोड़ रुपए का, बेमेतरा नवागढ़ मुंगेली 43 किलोमीटर 126 करोड़ रुपए का, राजनांदगांव डोंगरगांव चौकी मोहला मानपुर रोड 96 किलोमीटर 290 करोड़ रुपए का, बाग बहार कोतबा रोड 2 लेन सड़क 13.50 किलोमीटर 40 करोड़ रुपए, और इसी तरह से सिरगिट्टी सरवानी पासीद अमलडीहा बरतोरी दगोरी रोड 32 किलोमीटर 85 करोड़ रुपए, और लुडेग टेकपारा लवाकेरा रोड 41 किलोमीटर 118 करोड़ रुपए। इसी तरह से अपग्रेडेशन और बीटी स्ट्रेंथनिंग रोड जसपुर कुसमी रोड 28 किलोमीटर 35 करोड़ रुपए का, और राजनांदगांव कवर्धा पोनी रोड 30 किलोमीटर 90 करोड़। इस तरह से 907 करोड़ के ये प्रोजेक्ट थे जिसमें लगभग 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति माननीय नितिन गडकरी जी ने प्रदान की है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार का ये लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के पहल पर छत्तीसगढ़ की जनता को ये लगभग 900 करोड़ रुपए के 8 सड़कों का उपहार नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मिला है। छत्तीसगढ़ की 30 करोड़ जनता को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।